सत्युग के रावण को आपने रामायण में खूब देखा होगा, लेकिन आज आपको दिखाने वाला हूँ कलयुग का रावण दिल्ली की सड़कों पर सैंडविच बेचते हुए। कलयुग के रावण है, सैंडविच बना के खिलाते हैं लोगों को। ये देखो जी ये रावण, तो अंकल ये तो गेटअप है, कुछ स्टाइल तो करके दिखाओ रावण का। जय शंकर। वाह अंकल वाह। तो अंकल ये मूछे ऊंचे बढ़ाने का शौक रखा हुआ आपने? हाँ, मूछे और भी बड़ी होती है भाई, बहुत छोटी अभी तो। ये इस तरह के सारे सैंडविच बनाते हैं यहाँ पे अपने रावण अंकल जी? मूछे बढ़ाने के बाद जी ऐसी हो जाती है बिल्कुल, ये गेटअप आता है। ओ भाई साहब क्या खतरा लग रहा है। तो अंकल जी कितना टाइम लगता है ऐसी मूछे बनाने में? 2 साल लगते हैं भाई पूरे बनाने। जी बटर अंकल जी अमूल का लगाते हो? अमूल का। भाई ये देख लो रावण अंकल हमारे लिए लगा रहे हैं सैंडविच अपना ग्रिल सैंडविच। ये खीरा आ गया, प्याज आ गई। तो अंकल जी रावण प्याज लहसुन खाते हैं? रावण नहीं खाता है भैया, बाकी पब्लिक को तो खिलाना पड़ता है। तो अंकल जी ये विचार कैसे आया कि सैंडविच बेचते हैं यहाँ पे? ये आ गया जी आलू, बस अपने खाने का स्वाद अपने खाते हैं जी, उसी हिसाब से पब्लिक को बना के खिला देते हैं। 30 साल हो गए भैया बनाते बनाते। ये आ गया टमाटर, ये आ गया काला नमक स्वाद अनुसार। हाँ जी हाँ जी। ये आ गई काली मिर्च, ये आ गया चीज। देखो भाई चीज स्लाइस भी चलेगी अपने सैंडविच के ऊपर। हल्दीराम की बेसन वाली भुजिया, ये बनेगा जी आपका 85 रुपीज का। 85 में सब कुछ आएगा? हाँ जी हाँ। भाई देसी जुगाड़ है, बस इसके अंदर डालो और ग्रिल करो। अंकल जी आजकल तो विदेशी मशीन आ रही है वो इस्तेमाल नहीं करते? जो स्वाद इसके सिकने में आएगा वो बिजली वाले में नहीं आता है। ये देखिए भाई अपना सैंडविच यहाँ पे तैयार हो चुका है, अब इसके ऊपर लगा रहे हैं फिर से दोबारा अमूल बटर। और सबसे सस्ता सैंडविच कितने का होता है अंकल अपने यहाँ? 40 रुपये। 40 रुपये का? 40 रुपये का नॉर्मल सैंडविच होता है। उसमें क्या क्या डालते हो? उसमें भी सैलेड डलता है, बस उसकी उसको ग्रिल नहीं किया जाता। ये आ गया आपका सॉस, हमारी स्पेशलिटी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी जी। हमारे रावण अंकल का सैंडविच यहाँ पे तैयार हो चुका है। एक रामलीला में कितने पैसे कमा लेते उससे? तो कमाई नहीं होती भाई कुछ भी। अच्छा इसमें कमाई नहीं है? सब जनता सेवा है। अच्छा समाज सेवा के लिए? निशुल्क सेवा। मतलब आपने 10 साल का अपना जीवन समाज सेवा में दिया? नहीं नहीं, प्रभु राम की सेवा में। अरे वाह। इसी बात पे जय श्री राम का कमेंट लिख के जाना। और हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। इनका चटनी वटनी लगा के बढ़िया से। अंकल जी हरी चटनी बहुत स्पाइसी है। हाँ जी हाँ जी बहुत तीखी। इसी का स्वाद है अपने। अच्छा इसी का स्वाद है भाई। टमाटर इसके अंदर फीका है, ब्रेड फीकी है, बटर फीका है, खीरा फीका, कोई चीज किसी चीज में मसाला नहीं है, मसाला सिर्फ चटनी के अंदर। चटनी के अंदर। तो भाई चटनी बहुत तीखी है, लेकिन सैंडविच की बात करो सैंडविच इतना बढ़िया ना, एक तो एकदम फ्रेश वेजिस है, 85 रुपये इसका प्राइस है, जिसमें चीज स्लाइड डाली हुई है, सैलड डाला हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, और भाई अमूल मक्खन डाला हुआ है। तो भाई रेट में भी बहुत बढ़िया, स्वाद में बहुत बढ़िया। अगर आप भी खाना चाहते हो तो रावण अंकल के पास आ सकते हो। 11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक बैठते हैं। ठीक है। और बालू केसरी मंदिर है ये? बालू केसरी मंदिर? हाँ, मालीवाड़े के अंदर, उसके बिल्कुल नीचे। 30 साल से यहीं बैठ रहे हैं। नहीं किसी से पूछो कि मूछ वाला कहाँ बैठा सैंडविच वाला, बता देगा तुझे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो भाई कमेंट में जरूर से लिख के ना, जय श्री राम जय श्री महाकाल।